अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है और सबसे अधिक ईडी और आईटी के छापे अगर पड़े हैं तो छत्तीसगढ़ में ही पड़े हैं। सीएम बघेल ने यह भी कहा कि इन छापों का मतलब मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की खदानों को अपने मित्रों को देना चाहती है। जो आखिर छोटा राज्य है और सबसे ज़्यादा छापा यदि कहीं पड़ा है ईडी आईटी डीआरआई का, आखिर तो उसका कारण यही है कि भाई संख्या बल तो हमारे 71 है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्य में तोड़ने का प्रयास किए, यहाँ तोड़ नहीं सके। लेकिन फिर लगातार जो छापे डल रहे हैं और अभी भी हैं, उसका कारण मुझे जो समझ आ रहा है वो यही है कि जो उनके मित्र हैं उसको छत्तीसगढ़ के खदानों पर निगाह है, चाहे कोयला का हो चाहे लोहा का, वो सरकार जो कांग्रेस सरकार है वो बीच में है। अब बीच में होने कारण से क्योंकि छत्तीसगढ़ के वन संपदा, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संपदा और यहाँ के जो खनिज संपदा है उसको सही ढंग से दोहन हो लेकिन यहाँ का नुकसान भी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो समय समय पर निर्णय लिया उससे काफ़ी क्षुब्ध हुए और उसको नुकसान पहुंचा। और मैं समझता हूं कि ये जो जितने छापा पड़ रहे हैं उसका एकमात्र कारण यही है।